मतदान करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तो तय होगा 13 तारीख को ही कि आखिरकार जनता का रुख क्या रहा, जनता किसको चुनेगी, किसके सिर पर सेहरा बांधेगी जीत का, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली से जनता खुश है और बड़े पैमाने पर मतदान स्थल पहुंच के अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हरेंद्र आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त सहारनपुर से विनीत शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। विनीत, सहारनपुर की जनता के क्या कुछ अहम मुद्दे जिनको ध्यान में रखकर आज मतदान वहां की जनता कर रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सहारनपुर में सुबह 7 बजे से जो है यहाँ मतदान जारी है। लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार जो आ रहे हैं और लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह भी है, जोश भी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए वोटर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जोश देखने को मिला है। नए नए वोट जो यहाँ पे नई उम्र की जो लड़की लड़कियां जो नए वोटर्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है मुद्दे, क्योंकि शहर का ये चुनाव है, नगर निगम हो, नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, ये शहरी चुनाव है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है मुद्दे वही रहते हैं, चाहे वो सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो और कहीं ना कहीं जो कूड़े के निस्तारण की बात हो, तो ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं हावी रहते हैं। सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि सबसे जो बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ था वो सड़कों का मुद्दा यहाँ पर बना हुआ था। कहीं ना कहीं सड़कें यहाँ पर बेहद खराब थी, हालांकि बीजेपी के यहाँ पर मेयर यहाँ पर पिछली बार बने थे संजीव वालिया, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर कहीं ना कहीं एक हल्का सा यहाँ पर रोष भी कहीं ना कहीं जनता में था, क्योंकि पिछले 5 साल का जो यहाँ पर विकास था वो कहीं यहाँ पर जो है सड़कों पर नहीं दिखाई दिया। इसके अलावा कहीं इस बार भी जो है यहाँ पर जो है बीजेपी ने टिकट दिया है डॉक्टर अजय सिंह को यहाँ पर टिकट दिया है, और चूंकि डॉक्टर अजय सिंह यहाँ पर जो है ऐसे प्रत्याशी जो संघ के साथ जो है लंबे समय तक यहाँ पर जो है जुड़े रहे हैं। इसके अलावा वो हालांकि डॉक्टर है, फील्ड में कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पढ़े लिखे हैं और बहुत ही जो है स्वाभिमानी व्यक्ति के जो है वो धनी है व्यक्ति है। और इसके अलावा दूसरे जो यहाँ प्रत्याशी हैं सपा के प्रत्याशी यहाँ पर हैं जो आसू मलिक के भाई हैं नूर हसन, उनको यहाँ पर सपा की ओर से खड़ा किया गया है। हालांकि बसपा की ओर से यहाँ पर जो है जो इमरान मसूद जो कहीं ना कहीं जो यूपी का एक बड़ा चेहरा यहाँ पर कहीं ना कहीं माना जाता है, उनके यहाँ पर इमरान मसूद की जो भाभी यहाँ पर है जो उनकी संधन भी यहाँ पर कहते हैं, तो उनको यहाँ पर बसपा ने यहाँ पर दांव पर लगाया है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सहारनपुर में जो है बीजेपी और बसपा की यहाँ पर टक्कर मानी जा रही है, तो वही है कि कहीं ना कहीं जो है अगर तमाम जो विपक्ष वाले हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की यहाँ पर कोशिश इन्होंने की है। यहाँ पर तमाम चुनाव में वो हावी रहे हैं, क्योंकि जो विकास कार्य यहाँ पर सहारनपुर में होने थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं हो पाए, और उसी को लेकर जो है आज उन विकास कार्यों को लेकर जनता यहाँ पर वोट कर रही है, उनको मुद्दा बनाकर जनता यहाँ पर वोट करेगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं 13 तारीख को जो यहाँ पर चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि जो ताज जो है किसके सर पर यहाँ पर सजेगा। जी ठीक है विनीत, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त आगरा से कृष्णा त्यागी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। कृष्णा, अगर देख आगरा की अगर बात करें तो मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर के जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ वादे प्रत्याशियों की तरफ से किए गए हैं, और साथ ही किन किन प्रत्याशी में कड़ी टक्कर आगरा में देखने को मिल रही है? यहाँ पर स्थानीय मुद्दे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सबसे समाजवादी पार्टी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ठीक है आपके पास वापस आएंगे। एसके के पास चलेंगे सीधा। एसके, अगर देखा जाए तो इस वक्त जहां चुनाव एक तरफ हो रहे हैं वहीं दल बदलने का भी दौर इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं आजकल। बिल्कुल,
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें 2022 के चुनाव के समय में आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे, चाहे वो दारा सिंह हो, उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य हो या धर्म सिंह सैनी हो, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे और समाजवादी पार्टी में चले गए थे। कुछ उसी तरीके का दौर अब निकाय चुनाव के दौरान भी चल रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता रहे, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लखनऊ दक्षिणी के अध्यक्ष, साथ ही साथ लखनऊ के विभिन्न वार्डों से आने वाले पार्षद, जो सभासद हैं या जो प्रत्याशी हैं, वो भी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो चुनाव हो रहा है वो एक तरीके का लिटमस टेस्ट है, सेमीफाइनल है 2024 के लिए। तो बीजेपी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और लगातार वो कोशिश कर रही है कि आप इस चुनाव में बेहतर करें, ताकि आने वाले समय में बेहतर परिणाम जो 24 में है वो निकल कर सामने आए। यही एक वजह है कि बीजेपी लगातार ज्वाइनिंग का अभियान चला रही है। आपने देखा कि पिछले एक सप्ताह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार ज्वाइनिंग करा रहे थे, उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार ज्वाइनिंग करा रहे थे। हाँ, ये सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो कहीं ना कहीं आगे के लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं। और एक विश्वास दिलाने की भी कोशिश है कि लोगों में विश्वास है जो नेता हैं दूसरी पार्टियों की, यही वजह को लगातार भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं, उस दौरान भी आपने सुना होगा कि वो लगातार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उसको ट्रिपल इंजन कीजिए, और ट्रिपल इंजन करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, अब अगर नगर निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आती है तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भी ट्रिपल इंजन बनाने की बात कह रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये सारी तैयारियां 2024 को लेकर है। बीजेपी को पता है कि एक मैसेज भी इससे जाएगा, और वो नेता जो कि मुफीद है, अगर हम रईश चंद्र शुक्ला की बात करें जो कि 2022 में नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे प्रयागराज दक्षिणी से, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ कर लिया है। वहीं अगर हम राममूर्ति वर्मा की अर्चना, बहु अर्चना वर्मा की बात करें जो कि पहला नगर निगम इस बार शाहजहांपुर बना है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। हालांकि वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, उनके जो ससुर हैं राममूर्ति वर्मा, वो लगातार 3 बार मंत्री रहे, 5 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, तो सीधे तौर पर एक लंबा राजनीतिक कार्यकाल है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि ऐसे नेता जो अपना एक बड़ा राजनीतिक प्रभाव अपने क्षेत्र पर रखते हैं, जिनके आने से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, उनको शामिल किया जाए। और आपने ये भी चीजें देखी है कि इन चीजों का पार्टी के अंदर विरोध भी हो रहा है। यही एक वजह है कि बीजेपी में लगातार जो कार्रवाइयों का दौर है वो भी जारी है, चाहे वो लखनऊ हो, प्रयागराज हो या मथुरा हो, उसके अलावा अलीगढ़ हो और उस उन्नाव हो, गोंडा हो, इन जिलों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई भी की गई है। 500 से ज्यादा बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को 6-6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, कई को पदों से हटाया गया है। तो सीधे तौर पर बीजेपी को पता है कि उसका जो मोटिव है या उसका जो लक्ष्य है वो 2024 है, और उसके पहले कहीं ना कहीं एक जमीन तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के जरिए कर रही। यही एक वजह है कि वो नेता जो चुनाव में अपना प्रभाव डाल सकते हैं, चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस को बेहतर करा सकते हैं, खासतौर पर वो क्षेत्र जहां बीजेपी बेहतर परफॉर्म पहले नहीं कर पाई, तो उन क्षेत्रों पर बीजेपी खासा ध्यान दे रही है। और ऐसे नेता जो दूसरी पार्टियों में हैं और उस बीजेपी को उनसे फायदा हो सकता है, उनको सीधे तौर पर लगातार ज्वाइन कराने का दौर जारी है। इसके 2 फायदे हैं। पहली चीज तो वहां बीजेपी की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि एक मैसेज जरूर जा रहा है लोगों के बीच कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के जरिए से कर रही है। एक वजह है पिछले एक सप्ताह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग अभियान चला रही थी। हालांकि पहले चरण का मतदान आज चल रहा है, दूसरे चरण का 11 तारीख को होगा, तो कहीं ना कहीं चीजें धीरे धीरे क्लियर होती हुई अब देखना यह है कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं भी रही या सत्ता में रही, दोनों स्थितियों में नगर निगमों में बेहतर रही, 14 में पिछली बार भी थी, इस बार 17 पर चुनौती है, और उसके अलावा जो नगर पालिका परिषद है या फिर जो नगर पंचायतें हैं उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस कुछ खासा अच्छी नहीं रही है पहले के चुनाव में भी। तो इस बार ये देखना होगा कि इनमें किस तरीके की परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी करती है इस चुनाव में। हालांकि आज भी 390 निकायों में चुनाव हो रहा है, 7600 से ज्यादा पद है जिनके लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, और सीधे तौर पर देखें तो 760 जो कुल मतदाता है, कुल 760 निकाय हैं, 2 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं, तो सीधे तौर पर एक बड़ी संख्या है
जो कि इस नगरीय निकाय के लिए वोट कर रही है, तो निश्चित तौर पर काफी चीजें निर्णायक होंगी, काफी चीजें ये बताने के लिए काफी होंगी कि 2024 का माहौल क्या होगा। बिल्कुल, 24 के माहौल को लेकर